हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट वन इन लास्ट आई विल डिस्कस कि आपको पहले कौन सी यूनिट करनी चाहिए यूनिट वन में जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे आएंगे बेस कन्वर्जन बेस कन्वर्जन और ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस हमारे से बेस टेन पूछी जाए बाइनरी पूछी जाए, जाए, पूछी है बेसिकली डेसिमल टू अनदर बेस तो आपको यह पता होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग अब इसमें नंबर सिस्टम है मीन की अगेन वही बात आती है हम बेस कन्वर्जन कर रहे हैं नंबर सिस्टम तो इन नंबर सिस्टम हमारे अर्थमेटिक्स भी आ जाएंगे मीन्स कि उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट एडिशन सब्रैक्शन हमें आना चाहिए ठीक है नाओ नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जनरली आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम आता है फाइंड द बेस ऑफ द गिवेन नंबर सिस्टम ये हमारा मोस्टली टू मार्क्स का आता है या अगर फाइव मार्क्स में आता है तो एक सब पार्ट होता है क्वेश्चन का तो ये आपको बेस फाइंड आउट करने आना चाहिए कि एक नंबर सिस्टम गिवन होगा तो आपसे पूछ सकता है कि वट इज़ द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम ठीक है नाओ नेक्स्ट वैसे तो हमें बोलियानजर के एवरी लॉस पता होने चाहिए बट डिमागंस थ्योरम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट से डायरेक्टली पूछ ले जाता है कि स्टेटमेंट्स ऑफ डिमॉग थ्योरम तो ये आपको आनी चाहिए नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है हमारा के मैप इट कैन बी आर थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल फाइव एंड सिक्स अगर थ्री एंड फोर आते हैं तो ये जनरली हमारे टू मार्क्स में आते हैं एंड फाइव एंड सिक्स जो होते हैं ये हमारे टेन मार्क्स में आते हैं ठीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सॉप के लिए आए आपको सॉप का भी आना चाहिए पॉस का भी आना चाहिए और जरूरी नहीं है कि आपका मीन टर्म्स के फॉर्म में आए इट कैन बी अ इन फॉर्म ऑफ बूल इन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिव होगा और उससे आपको के नैप से सिंपलीफाई करना होगा तो वहां मेन्शन होगा तो अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं ऐसा नहीं कि आप सिंपल एक या दो एग्जाम्पल्स कर लो और दैट्स इट आपको हर तरीके का क्वेश्चन करना होगा ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैबुलेशन टेबुलर लास्ट टाइम के पेपर में टेबुलर नहीं था बट 1920 ट्वेंटी ट्वेंटी में हमारा टेबुलर आया था और वो हमारा फाइव वेरिएबल का था ठीक है तो प्लीज रिमेंबर हमारे यहाँ पे टेबुलर आ सकते हैं फोर वेरिएबल फाइव वेरिएबल और विथ और विदाउट डोंट केयर तो आपने प्रैक्टिस करनी है ठीक है ये कभी कभी ऑप्शनल में भी निकल जाता है बट समाइम्स होता है कि यू हैव नो ऑप्शन तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करें कि आप फोर वेरिएबल फाइव वेरिएबल कर सकें ठीक है नाउ नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स तो समटाइम्स पूछ लेता है समटाइम्स पूछ लेता है कि नेम ऑफ द यूनिवर्सल गेट्स एंड वाई दीज आर कॉल्स यूनिवर्सल गेट्स एंड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्प्लीमेंट एग्जोर यूजिंग नैंड एग्जोर यूजिंग नॉर या एनी गेट यूजिंग नैंड और नॉर या पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन होगी उसको कह देगा इंप्लीमेंट यूजिंग नैंड नैंड और नॉर नॉर तो ओवरऑल दिस यूनिट इज वेरी बिग यूनिट और अगर आपने अभी इसे नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है तो क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कोई नहीं कह सकता कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कर सको तो हमारे बेसिकली डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे करने हैं ठीक है नाउ अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे डायरेक्ट भी बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फुल एडर फोर बिट कैरी लुक अहेड एडर और बी सी डी एडेड बट अगर वो उन्होंने उसको घुमा के पूछ दिया तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग इन नैंड ठीक है ये भी हो सकता है बट ये जो तीन क्वेश्चन हैं फोर बिट एडर कैरी लुक अहेड एडर एंड बी सी डी एडर डीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये आपने पढ़ने हैं और उसमें से भी आपका बी सी डी एडर तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पेपर तो देख सकते हो बट ये मत सोचना कि जो प्रीवियस ईयर आया वो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा वो आएगा ठीक है नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्टर्स में आपके फुल सब्ट्रैक्टर हैं फोर बिट पैलर सब्ट्रैक्टर है एडर सब्ट्रैक्टर है एडर सब्ट्रैक्टर मीन्स की फोर बिट पैलर एडर सब्ट्रैक्टर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड बैरल शिफ्टर ये लास्ट ईयर ही लास्ट टू ईयर से ही ऐड हुआ है लास्ट ईयर ये पूछा था टू मार्क्स में मे भी अगेन आ जाए ये टू मार्क्स की जगह टेन मार्क्स में भी आ सकता है डिपेंड्स एंड ए एल यू दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये आपका लास्ट ईयर ये भी पेपर में था तो ये अगेन पूछ सकता है डिपेंड टू या फाइव मार्क्स तो मीन्स कि हमें आइडिया होना चाहिए और इनमें हमारी डायरेक्ट थ्योरी बनती है तो आप डायग्राम्स जरूर बनाएं विदाउट तो डायग्राम तो आप क्वेश्चन तो तो वस्त नहीं सॉल्व करेंगे लाइक बी सी डी एडर है तो आपने टेबल बनानी ही बनानी है के मैप बनाना ही बनाना है फाइनल उसका डायग्राम ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे ठीक है तो टेबल के मैप देन डायग्राम ठीक है जहां पर जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपने वो करनी ही करनी है नेक्स्ट अगेन दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन मैग्नेट्यूड कंपैरेटर आपसे थ्री बिट का भी पूछ सकता है बिट का भी पूछ सकता है बट थ्री और फोर बिट समझने के लिए आपको पहले टू बिट का भी आना चाहिए तो आप टू बिट थ्री बिट और फोर बिट मैग्नेट्यूड कंपैरेटर अच्छे से कर लें उनके एक्सप्रेशन याद कर लें अगर आपने सर्किट बनाने आते हैं एक्सप्रेशन आपको याद होंगे लॉजिक्स याद होंगे तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ठीक नाउ इनकोडर इनकोडर में कोडर ने समटाइम्स आपको सिंपल पूछ सकता है ये डिफाइन इन और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ देता है कि वॉट इज प्रायोरिटी इन तो आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि वॉट इज प्योरिटी इन फिर उसकी ट्रुथ टेबल देन उससे उसको डिजाइन करने के लिए जो के मैप्स रिक्वायर्ड है आफ्टर दैट फाइनल डायग्राम ठीक है नाउ नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बट अगेन इन दिस केस अगेन क्वेश्चन हमारे फिक्स नहीं होते ठीक है इसमें मैंने लिखा है बोलियन फंक्शन यूजिंग मार्क्स अब इस बोलियन फंक्शन में कुछ भी हो सकता है मे बी वो एक एक्सप्रेशन दे दें सॉप का फंक्शन दे दें और उसको कहें इम्प्लीमेंट यूजिंग फोर इज़ टू वन एट इज़ टू वन और सिक्सटीन इज टू वन और वो कह सकते हैं कि एक बुलियन फंक्श एक्सप्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट करो और वो कह सकते हैं किसी एडर को सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करो तो आपको मक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मक्स कैसे डिज़ाइन होगा अगर बुलन एक्सप्रेशन हमें डिज़ाइन करना है तो अगेन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिग टॉपिक क्वेश्चन आता ही आता है मक्स का और दूसरा इसमें आपसे यह भी पूछ सकता है कि यू हैव वन मल्टीप्लेक्सर एंड उसका यूज करके आपने दूसरा बनाना है फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू ईयर से जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है फोर इज टू वन यूजिंग टू इज टू वन तो जरूरी नहीं कि यही है बट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है ये लास्ट टू टाइम्स से मार्क्स में आया है तो प्लीज रिमेंबर कि दिस इज ठीक नाउ आता है डिकोडर डिकोडर अगेन हमारे क्या होते हैं बी सी डी टू सेवन सेगमेंट भी पूछ सकता है या डिकोडर डिकोडर टू इंप्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है तो आप बेसिकली आप ये देखो इसमें जो क्वेश्चन फिक्स हैं जिसमें हमें ज्यादा लॉजिक्स नहीं लगाने हैं वो हमारे मैंने बता ही दिए थे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें आपके चेंजेस हो सकते हैं लाइक मल्टीप्लेक्सर डिकोडर तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं और इनको आप अपने नोट्स बना लें अच्छे से ताकि आप रिवीजन करें तो आप कर सके ठीक है और यूनिट फॉर सिक्वेंशियल सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट में आपके फ्लिप फ्लॉप्स आपको वैसे सारे ही आने चाहिए पूछ वो कोई भी सकता है कि उसके स्टेट टेबल क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है उसका डायग्राम क्या है तो आपको आनी चाहिए क्योंकि आप अगर काउंटर डिजाइन करने जाते हो तो भी आपको एक्साइटेशन टेबल आनी चाहिए बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसमें है इसमें है जेके फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लिप जेके फ्लॉप जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द जेके फ्लिप फ्लॉप राइट डाउन द स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लॉप तो अगर आपसे सारे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है अदरवाइज एटलीस्ट ये दो तो आपको आने ही चाहिए मे बी आ जाए बट जरूरी नहीं है कि फिक्स है बट इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप तो ये आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप टू फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन तो आप एटलीस्ट वन टू टू प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हो फॉर एक्जाम्पल हमें जेके टू टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है मीन्स कि वी हैव जेके फ्लिप फ्लॉप और इसका यूज़ करके हमें टी फ्लॉप बनाना है तो इस तरीके से कोई भी बन सकता है मीन्स ये और दूसरा आप ये तभी कर पाओगे जब आपको एवरी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट टेबल और एक्साइटेशन टेबल आती हो क्योंकि इन दोनों का ही यूज़ करके आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कन्वर्जन होता है ठीक है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं एफ एस एम एंड ए एस एम पे तो ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि ए एस एम क्या है इसमें सिम्बल्स क्या होते हैं एफ एस एम कितने टाइप्स के होते हैं इतलीस्ट शॉर्ट नोट आनी चाहिए डिज़ाइनिंग आती है ठीक है स्टेटमेंट गिवन होगी या स्टेट डायग्राम गिवन होगा उसके थ्रू आपको सर्किट को डिजाइन करना होगा या आपका स्टेट रिडक्शन होगा स्टेट डायग्राम गिवन होगा उसको मैक्सिमम जितना आप पॉसिबल है उसको रिड्यूस करें देन सर्किट को डिज़ाइन करें तो हो सकता है कि आफ्टर रिडक्शन आपसे ये भी बोल सकता है कि डिजाइन पर्टिकुलर सर्किट यूजिंग पर्टिकुलर फ्लिफ्लॉप ठीक है डी टी टी और अगर आपको कुछ भी मैंशन नहीं है कि किस फ्लिफलॉप से आपको डिज़ाइन करना है तो इट्स अप टू यू आप किसी भी फ्लिपलॉप से डिज़ाइन कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर में आपका बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर भी इम्पॉर्टेंट है वैसे आपको सबने एटलीस्ट एक, एक बार आपने पढ़ लेना है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो आप कर सको अदरवाइज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इज इंपॉर्टेंट अदरवाइज आपने रीड एटलीस्ट सबको करना है क्योंकि कोई भी पूछ सकते हैं बट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर इन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट सेम विथ काउंटर काउंटर्स में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर्स एंड कोई भी काउंटर डिज़ाइन करने को बोल सकते हैं तो प्लीज आप जो प्रैक्टिस करेंगे आप किसी एक की करें दो की करें बट ऐसे करें कि जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए आप किसी को भी डिज़ाइन कर सके ऐसा करें ठीक एंड काउंटर्स में ही आपके आते हैं रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और ये लास्ट टाइम आए हुए भी थे तो ये आपको आने चाहिए ठीक है रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर भी और इनसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि आपको लिखा हो कि सपोज मॉड नाइन काउंटर डिजाइन करना है तो हाउ मेनी फ्लिफ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो ये टू मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं आपको ये भी आने चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने नाइन कहा तो नाइन वुड बी लेस देन इक्वल टू टू रेज टू पावर एंड वे स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्लिप फलॉप तो अगर हम एन की वैल्यू को फोर रखते हैं तो नाइन क्या हो जाएगा लेस देन सिक्सटीन हो जाएगा मीन्स की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर फोर फ्लिप फलॉप्स आर रिक्वायर्ड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सेम वे शिफ्ट रजिस्टर में पूछ सकता है कि इफ़ यू हैव टू डिजाइन फाइव बिट शिफ्ट रजिस्टर तो हाउ मनी फ्लिप्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो सिंपल आंसर जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर उतने ही फ्लिपलॉप्स रिक्वायर्ड होंगे बिकॉज Flip -flop can store only one bit. तो टेन बिट्स तो तो पूछ सकता है कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मॉड फोर रिंग काउंटर क्लियर है तो आपको इन सबके फॉर्मुले आने चाहिए इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए ये टू मार्क्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो ये हुई हमारी यूनिट थ्री जिसमें से कुछ ही डायरेक्ट क्वेश्चन हैं मैक्सिमम हमें समझना है इसको लर्न नहीं करना है इस यूनिट में रेयरली ही कुछ लर्न करने को आप मास्टर स्टेप कर सकते हो इसकी रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लॉप की रेस अराउंड कंडीशन को लर्न कर सकते हो यूनिवर्सल कर सकते हो पीछे के एटलीस्ट थ्री टू फोर ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मैंने भी अपने चैनल पे ऑलरेडी टू ईयर के पेपर का सोल्यूशन अपलोड कर रखा है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यू कैन चेक दैट अब हम देखते हैं यूनिट फोर अब जो जिसको भी स्टार्टिंग की थ्री यूनिट नहीं आती या उसने पूरे सेमेस्टर में कोई पढ़ाई नहीं की और उसे डिजिटल में अच्छा स्कोर करना है तो वो ये लास्ट की टू यूनिट्स को बहुत 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 अच्छे से कर ले बिकॉज दिस इज़ इजिएस्ट यूनिट और कम सिलेबस है इसका और आप इजीली इसको कर सकते हो बट प्लीज़ आपको डायग्राम्स यहाँ भी याद करने हैं बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं तो इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग थ्री यूनिट्स ये टू यूनिट्स छोटी और इजी हैं तो जिसने पूरे सेमेस्टर कोई पढ़ाई नहीं की तो वो स्टार्ट करे विथ फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट और इनको फिर वो ऐसा करे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो कर सकता है बिकॉज अगर आप पेपर को देखो तो इसकी कितनी वेटेज है आप एक यूनिट से आपके जो फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ए उसमें एवरी यूनिट से फोर मार्क्स आते हैं डन ठीक एंड जो सेकेंड पार्ट होता है सेक्शन बी उसमें आपके फाइव क्वेश्चन होते हैं ईच यूनिट से एक क्वेश्चन तो वहां से आप इससे टेन स्कोर कर सकते हो देन एक और आपका जो सेक्शन सी होता है वहां पे टेन मार्क्स होता है तो ये हो गए आपके ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फॉर यूनिट फोर एंड ट्वेंटी फोर फॉर यूनिट फाइव तो आपके फोर्टी एट, तो एट, एट तो मार्क्स तो इस यूनिट से दो यूनिट से बन जाएंगे स्टार्ट करते हैं इसमें तो इसमें आपको ये करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक फैमिलीज बहुत अच्छे से करनी है टू या थ्री की डिफिनीशन आपकी टेन मार्क्स में भी आ सकती है और टू मार्क्स में भी आ सकती है तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है ठीक सेम वे कंपेरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज आप सबकी ही कर लें मतलब एक टेबल की फॉर्म में इफ पॉसिबल आप उसको बना लें और उनको सारी टेबल्स को आप करें क्योंकि कंपैरिजन किसी का भी पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ टी एंड सी का पूछे वो किसी का भी पूछ सकता है तो आपको कंपेरिजन टेबल आनी भी चाहिए इसलिए भी आनी चाहिए कि अगर किसी स्पेसिफिक लॉजिक फैमिली को पूछता है अगर आपको कंपेरिजन टेबल पता है मीन्स कि उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप वहां पर लिख सकते हो ठीक टी, इन्वर्टर ईसीएल टी टी एल टी टी एल पिछले दो सालों से कंटिन्यूअसली आ रहा है ईसीएल भी इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम सारे पूछ लिए थे नॉट नैंड नॉर ज़रूरी नहीं है कि सारे पूछे कुछ भी आ सकते हैं बट अगर आप एक पढ़ रहे हो तो दूसरा तीसरा आपको ईजिली समझ में आ जाता है बिकॉज माइनर सा डिफरेंस होता है तो आप इनमें से किसी को भी छोड़ें नहीं ठीक है आपने ये करना करना है एंड वन मोर टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है इफ़ पॉसिबल तो आप एटलीस्ट जाते जाते एफ पी जी ए के शॉर्ट नोट या देख लें कि ये वर्क कैसे करता है क्योंकि इसमें भी आपकी शॉर्ट नोट आ सकती है ठीक नाउ अब आते हैं पी एल डीज में तो पी एल डीज में अगेन लाइक के मै या मल्टीप्लेक्सर आपको पी का कॉन्सेप्ट आना है कि एक क्वेश्चन आप लो उसको आप पी से भी करो पी से भी करो और पी रॉम से भी करो अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से तीनों से कर सकते हो तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने इसी क्वेश्चन को पीएलए से सॉल्व किया पी एल ए से सॉल्व किया और पी रॉम से किया तो वट वॉज द डिफरेंस की डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए बिकॉज समटाइम्स डिफरेंस भी पूछ देता है टू मार्क्स में एंड टेन मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछ देता है फाइव अगेन दिस इज अ स्मॉल यूनिट या आप कह लो इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं अगर आप पेपर पीछे के उठा के देखोगे दो साल से ही ये ऐड हुई है तो मीन्स कि आपको लास्ट ईयर के पेपर में एंड लास्ट टू लास्ट